साहब कहते हैं प्रभु की बनाई हुई मर्यादा दे विच कोई दुखी है कोई सुखी है। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाई है। एक ना ते उस हुक्मी दी हुक्म द्वारा बख्शिश हो गई रहमत हो गई अपने चरणा च थां दे दित्ती नेचल वासा मिल गया। पर एक हुक्मी सदा भवाई है एक बने हुए हुक्म दे मुताबक सदा ही भटक दे रहे हैं सदीवी भटक दे रहे हैं। जम जम मरे मरे फिर जमे बहुत सजाए पया देश लमे। लंबी यात्रा दिच पै रहे दिन जमदे रहेंदे ने मरदे रहेंदे ने हमेशा भवाइए भवाइए भवाली भाव चक्कर दिच जिथों चलिया सी मुड़के फिर उत्थे आया जन्म होया सी मरिया है फिर जन्म होया तो जन्म तो चलिया सी फिर जन्म ते आ गया जन्म तो चलिया सी फिर जन्म ते आ गया। इसे नू कहिंदे ने जन्म मरण दा चक्कर जन्म होया सी ते हुण मर गया है ते मुड़के फिर जन्म ना आवे चक्कर चो निकल गया। अगर फिर जन्म हो गया तो जिथों चलिया सी ते फिर उत्थे ही आ गया। तो जन्म मरण एक वर्तुल है एक चक्कर है इस दे चो मनुख निकल सके प्रभु ने मर्यादा बनाई है उस दे हुक्म नू मन लेना खिड़े मत्थे तस्लीम कर लेना मर्यादा दी पालना करना मनुख चक्कर दे चो निकल जांदा है। तो साहिब कहिंदे ने एक ना दे उत्थे प्रभु अपनी बख्शिश कर देंदा है अपने चरणा दे स्थान बख्शदा है ते एक उस दे बनाए हुए हुक्म दे मुताबक हमेशा ही चक्कर दे च पए रहिंदे ने जमदे रहिंदे ने मरदे रहिंदे ने। एक हुक्म ही सदा भवाई है हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए। मच्छी जल दे च जिथे तक चाहे कलोल कर सकती है दरिया दे एक किनारे तो लैके दूसरे किनारे तक भी जा सकती है लेकिन मछली ए आखे मैं दरिया तो बाहर निकल के घूमना फिरना है नहीं ऐसा वो नहीं कर सकती। प्रभु ने जो मर्यादा बनाई है मनुख उसकी मर्यादा दे विच ही रह के ही सब कुछ कर सकता है उस तो बाहर नहीं। जो ताकत जो समर्था जो वेखण की शक्ति बोलण की शक्ति सोचण की शक्ति चलण की शक्ति और करण की शक्ति जो परिपूर्ण परमात्मा ने दे दी है इसका कुछ भी मनुख उपयोग कर सकता है। जिस पासे नदी आ रही है उस पासे मछली जा सकती है दूसरे पासे जा सकती है एक तट ते जा सकती है दूसरे तट ते जा सकती है। मनुख शुभ कर्म कर सकता है अशुभ कर्म कर सकता है अच्छा कर सकता है बुरा कर सकता है लेकिन उसकी बनाई हुई मर्यादा दे ही सब कुछ हो सकेगा उसकी दित्ती हुई समर्था दे ही सब कुछ हो सकेगा। सागर दे चों बाहर निकल के मछली कुछ भी नहीं कर सकती मनुख जो कुछ भी कर रहा है उस हुक्मी दे हुक्म दे विच ही कर रहा है उस दे हुक्म तो असी बाहर नहीं हाँ। आकाश ने सारियां नू अपने विच घेरिया होया है असी सारे आकाश दे चां असी सारे परमात्मा दे चां। हां मछली नू भुलेखा हो जांदा है कई दफा मच्छी मच्छी तो जरूर पुछदी है सागर कित्थे है बड़ा ना सुने है सागर दा बड़ी महिमा सुनी है सागर दी लोकी उसनु रतनाकर कहिंदे ने रतना दी खान कहिंदे ने सागर है कित्थे। तो मच्छी ते मच्छी है मनुख भी पुछदा है परमात्मा है कित्थे ईश्वर है कित्थे परमात्मा कित्थे है। एक प्रश्न ऐसा है जैसे कोई मछली आखे सागर है कित्थे समुंदर है कित्थे इनू कौन आखे तू समुंदर दे विच ही है तू सागर दे विच ही है बंदे नू कौन दसे तू परमात्मा दे अंदर ही है परमात्मा ने ही तेनू घेरे होया तू परमात्मा दे विच ही सब कुछ कर रहे हैं। जैसे मच्छी मच्छी नू खा रही है तो सागर दे विच ही खा रही है जैसे मच्छी मच्छी दी पालना कर रही है तो सागर दे विच ही कर रही है। कोई मनुख परोपकार कर रहा है तो परमात्मा दे विच कर रहा है कोई मनुख दुराचार कर रहा है तो परमात्मा दे विच ही कर रहा है। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए। दरअसल इस पंक्ति नू समझण लई दिमाग देते बहुत जोर देना पड़ेगा। हुक्म दे सब कुछ है भाव सागर दे ही मच्छी का जीवन है कल जड़ी है वो इतनी है।
और सागर दे च मच्छी सब कुछ कर रही है, गंद भी सुट रही है, बच्चियां दी पालना भी कर रही है, छोटे छोटे बच्चियां नू खा भी रही है, अनर्थ भी कर रही है, अर्थ भी कर रही है। मनुख जो कुछ भी कर रहा है परमात्मा दे विच कर रहा है, ये समझ आउंदी है उसनू जिसनू परमात्मा दा बोध हो जाए। फिर इस तरह दा मनुख इस राज ते रहस नू समझ के परम आनंद दी दुनिया दे च अठे पैर डुबिया रहिंदा है। तो सतगुरु कह रहे ने, हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए, रेत दे जर्रे तो लेके सूरज तक, कीड़ी तो लेके हाथी तक, सब कुछ हुक्म दे च है, सब कुछ प्रभु दे च है, सब कुछ उसकी बनाई हुई मर्यादा दे विच है। हुण सतगुरु दा फरमान है, नानक हुक्मे जे बुझै तहो मैं कहे ना कोए। सतगुरु कहंदे ने इस हुक्म दी जे किधरे बंदे नू समझ आ जाए तो मनुख दा करता भाव खो जाएगा, उन्हें ए नहीं आखेगा मैं भी करता, मैं भी हां, हाँ मैं कहे ना कोए, फिर किसे ने हंकार नहीं करना, मैं भी हां ऐसा फिर किसे ने कुछ नहीं कहना, फिर ते हर एक ने कहना जो कुछ है, सागर साडा जीवन है, सागर तो ही साडा जन्म है, सागर विच ही सारा साडा मरण है, जो कुछ भी है सागर ही है, सागर ही है। पर जे इसका बोध ना होवे ता फिर मनुख आहंग भाव दे जीवदा है, मैं जी रहा अपने परिवार दे, मैं शुभ कर्म कर रहा, मैं दान कर रहा, मैं पुन कर रहा, मैं शुभ कर रहा, मैं अशुभ कर रहा, मैं दे जीवना अधर्म है, तू दे जीवना धर्म है। जिदा मैं मिट गया वो धर्मी है, जिस दे अंदरों तू मिट गया वो अधर्मी है। जिड़ा हर वक्त मैं दे बोध दे जीवदा है संसारी है, जिड़ा तू दे बोध दे जीवदा है बस उही भगत है, उही धार्मिक है, तू है तू है तू है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की रचना तो जद वाक निकलिया तू ही, भाई मनी सिंह लिख रहे सन तो तू ही तू ही तू ही, यही बोली गए यही बोली गए। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज की रचना तो निकलिया सी, तकड़ी तोल दे आया तेरा तेरा तेरा, ऐसे तेरे भाव दे चलीन होए मेरा भाव भी खो गया, मैं ही मिट गया। ते जब तेरा भाव भी रह जाए मेरा मिट जाए, बस इस धर्म की शिखरता मनुख ने छो लिया। ते जिथे तेरा ही मिट जाए मेरा मेरा मेरा, जितना मेरा मेरा वधदा है उतना दुख वधदा है, जितना तेरा तेरा वधदा है उतनिया बरकतां वधदियां ने, उतना सुख वधदा है। सतगुरु का फरमान भी है, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे। जिथे मैं मिट जांदा है उथे फिर तू दा जन्म हुंदा है।